आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। माटुंगा रेलवे स्टेशन के बाद बड़ा हादसा, पटरी से उतरी पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डब्बे। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई फिर टेंशन, सरकार ने सभी अस्पतालों से अलर्ट पर रहने को कहा। सीएम केजरीवाल के घर तोड़फोड़ करने वाले को सम्मानित करने पर भड़की आतिशी, बोले बीजेपी है भारतीय गुंडा पार्टी। पुडुचेरी एक्सप्रेस के डब्बों को वापस पटरी पर लाने का काम जारी, ट्रेनों पर लगा ब्रेक। लगातार 10वें दिन नहीं बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दाम, 6 अप्रैल को आखिरी बार हुई थी बढ़ोतरी। यूपी में 2 साल के भीतर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कराएगी योगी सरकार, 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने उठाया अगला कदम, बेटे और हजारों समर्थकों के साथ हो सकते हैं भाजपा में शामिल। शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए 1000 अमृत सरोवर बनाएगी यूपी सरकार, खिलेंगे कमल के फूल। उत्तर प्रदेश में श्री हनुमान जन्मोत्सव की धूम, मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया चेन स्नैचिंग का वीडियो और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा गमछे से पहचानिए लुटेरे कौन। पुतिन के सहयोगी की पत्नी का आरोप, यूक्रेन में मेरे पति को मारा गया पीटा गया, जेलेंस्की से की मांग। श्रीलंका में ईंधन कटौती का ऐलान, अब 1000 रुपए तक का ही खरीद सकेंगे पेट्रोल डीजल। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने राजपक्ष सरकार पर लगाया तानाशाह और भाई भतीजावाद का आरोप। कीव में रूसी सैनिकों की वापसी के बाद मिली 900 से ज्यादा लाशें, बूचा में दिखा बर्बरता। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए स्पीकर बने पूर्व पीएम राजा परवेज अशरफ, निर्विरोध चुने गए। टीम से बाहर किए गए खिलाड़ी बिगाड़ रहे अपनी ही पुरानी टीम का खेल, गेंदबाज और बल्लेबाजों ने किया नाक में दम। हैदराबाद के जीत की हैट्रिक, राहुल त्रिपाठी की तूफानी पारी से कोलकाता पस्त। राहुल त्रिपाठी ने हैदराबाद के लिए बनाया दूसरे सबसे तेज अर्धशतक, जमाए 6 आसमानी छक्के। मुंबई के फैंस को 5000 के बाद सूर्य कुमार का दिलासा, पहले भी ऐसा हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं। हर्षद पटेल की वापसी के बाद दिल्ली के खिलाफ लय में आना चाहेगी आरसीबी। नहीं रहा केजीएफ चैप्टर 2 का तूफान, दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई। आरआरआर के कलेक्शन में मामूली उछाल, 250 करोड़ से बस चंद कदम की दूरी पर है फिल्म। नंदीश संधू पैसे के लिए शादियों में नाचता है उतरन, एक्टर को स्ट्रगलिंग फेज में लोगों ने कही थी ऐसी बात।
रणबीर कपूर जानना चाहते थे शादी की सारी रस्में पंडित जी ने सहरा बंदी और मंडप के बताए मजेदार किस्से। ऋषि कपूर के बाद अब छोटे भाई राजीव कपूर की आखिरी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।